ग्वालियर में शाम होते ही सड़कें शराब पीने वालों का अड्डा बन जाती है। आने जाने वाले और रहवासी लोग रईसों की हरकतों से परेशान रहते हैं। पुलिस की महिला सेल ने अब ऐसे शराबियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। देर रात डीएसपी किरण अहिरवार और सीएसपी हिना खान सड़कों पर निकल पड़ी। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध है। कलेक्ट्रेट रोड न्यू सिटी सेंटर सिरोल इलाके में देर रात दबिश देकर सड़क के किनारे कारों में युवक और युवतियां जाम छलकाते मिले। पुलिस ने युवतियों को तो समझाइश देकर उनके घर रवाना कर दिया, जबकि युवकों से सड़कों पर ही उठक बैठक लगवाकर सबक सिखाया। कोई बोला दादी का निधन हो गया है तो गम में पी रहे हैं, किसी ने कहा गलती हो गई, किसी ने कहा पहली बार आए हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। दरअसल ग्वालियर के पौश इलाके कलेक्ट्रेट रोड न्यू सिटी सेंटर और सेरोल के रहवासियों ने पुलिस से शिकायत की थी कि इन इलाकों में रात के वक्त सड़कों के किनारे युवा युवतियां कारों में बैठकर शराब पीते हैं, कई जगह खुलेआम भी शराबखोरी हो रही है। शिकायत मिलने के बाद रात में डीएसपी महिला अपराध किरण अहिरवार और यूनिवर्सिटी सीएसपी हिना खान ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। कलेक्ट्रेट रोड पर सड़क किनारे दर्जनों कारें खड़ी मिली। पुलिस की महिला विंग इन कारों की तलाशी ली तो इनमें युवा युवतियां शराब पीते पाए गए। वहीं न्यू सिटी सेंटर और सिरोल इलाके में तो लोग कारों की छत पर बैठकर शराब पीते पकड़ाए। चाय पान के टपरों पर भी शराबखोरी और भीड़ जमा थी। डीएसपी और सीएसपी ने युवतियों को समझाइश देकर उनके घर भगा दिया और शराब पीने वाले युवकों को जमकर फटकार लगाई। कई युवकों से उठक बैठक लगवाने के बाद उन्हें उनके घर रवाना किया गया। महिला विंग ने इन इलाकों में देर रात तक खुले रेस्टोरेंट में भी दबिश दी और संचालकों को शराबखोरी न करने की नसीहत दी। अब देखना ये होगा कि पुलिस की सख्ती का असर कब तक दिखाई देता है। कलेक्ट्रेट रोड पर कार्रवाई की गई थी। शिकायतें मिल रही थी कि रोड किनारे जो चाय की टपरी वगैरह है वहाँ पे काफी लड़के खड़े रहते हैं, अनावश्यक खड़े रहते हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं। उसी के संबंध में आज भ्रमण किया गया सीएसपी यूनिवर्सिटी, टीआई यूनिवर्सिटी मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और लोगों को समझाइश दी गई है और ये जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको रवाना किया गया और ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए समझाइश भी दी गई है। एक दो लोग ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ ड्रिंक कर रहे थे तो उनको समझाई दी गई और घर पे रवाना किया गया। जी, हमको शराब पीते हुए मिले लोग गाड़ियों के अंदर बैठकर, सड़क के किनारे जो गाड़ियां दिखती हैं अक्सर उसमें बैठे कुछ लोग शराब पीते हुए मिले, और कुछ लोग जो आसपास चाय की दुकानें हैं वहां पर साइड में अव्यवस्थित रूप से गाड़ियां खड़े किए हुए थी और अनावश्यक झुंड लगाए हुए थे, तो सभी को हमने समझाई दे के रवाना किया। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।